झारखंड में अब हेमंत सोरेन की सरकार, जाने तीन बार के सीएम रहे शिबू सोरेन के बेटे की 10 बातें। झारखंड के सबसे कद्दावर राजनीतिक इस परिवार के पीछे कई रोचक कहानियां हैं। आइए जानते हैं हेमंत सोरेन के पारिवारिक और राजनीतिक सफर के साथ साथ उन कहानियों के बारे में। पिता शिबू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हार से की, तो वहीं बेटा हेमंत सोरेन की पारी छात्र जीवन से ही शुरू हो गई। पिता शिबू सोरेन ने पहला लोकसभा चुनाव 1977 में लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। वह पहली बार 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए। उसके बाद शिबू 1989, 91 और 96 में लोकसभा चुनाव जीते। जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, तो उनका पहला चुनाव भी अच्छा नहीं रहा और 2005 में दुमका सीट पर वह तीसरे नंबर पर रहे। शिबू सोरेन ने 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही भाजपा से समर्थन न मिलने पर वह बहुमत साबित नहीं कर सके और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2009 में तामर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें झारखंड पार्टी के गोपाल कृष्ण उर्फ राजा पीटर ने 9000 वोटों के अंतर से मात दे दी थी। इस बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। झामुमो कांग्रेस राजद महागठबंधन के तहत हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हेमंत सोरेन अभी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। हेमंत सोरेन 2013-14 में झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। दुर्गा सोरेन जामा से 1995 से 2005 तक विधायक रहे हैं। इनके भाई बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा संगठन झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हेमंत सोरेन की गिनती झारखंड के कद्दावर नेताओं में होती है। कुछ ही सालों के अंदर हेमंत सोरेन ने सियासत की बुलंदियों को छूने में कामयाबी हासिल की। हेमंत झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं। हेमंत का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के सुदूर नेमरा गाँव में हुआ था। हेमंत सोरेन का पारिवारिक और राजनीतिक जीवन, उनके दो बेटे निखिल और अंश, जबकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन निजी स्कूल की संचालक है। उनकी मां रूपी सोरेन है, जो उन्हें इंजीनियर बनाना चाहती थी, लेकिन हेमंत ने 12वीं तक ही पढ़ाई की। उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला तो लिया, मगर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 2003 में छात्र मोर्चा की राजनीति शुरू की और फिर आगे ही बढ़ते चले गए। हेमंत 2009 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। दिसंबर 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में संथाल परगना के दुमका सीट से जीत हासिल की और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, तो समर्थन के बदले हेमंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि जनवरी 2013 को झामुमो की समर्थन वापसी के चलते अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई।